देखिए बेटा नेक्स्ट थ्योरी है इसमें बीएससी पीआर थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। हाँ भाई देखिए बेटा पहला पॉइंट क्या है बेटा इस थ्योरी का, पहला पॉइंट है कि यह स्ट्रक्चरल थ्योरी है, मतलब संरचनात्मक सिद्धांत। क्या मतलब है इस बात का कि बेटा ये थ्योरी जो है बाकायदा ये बताएगी कि कोई भी अणु जो है उसकी ज्यामिति क्या होगी, उसकी आकृति क्या होगी बेटा, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। संरचनात्मक सिद्धांत है आकृति या मैं कहूं बेटा ज्यामिति के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएगा बेटा। थ्योरी क्या बोलती है, नाम पे ही चले जाइए बेटा, नाम से अपन थ्योरी बनाते हैं। देखो एक्चुअली है इलेक्ट्रॉन युग्म का प्रतिकर्षण। अब इलेक्ट्रॉन युग्म किसी भी अणु में बेटा खासकर दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एकांकी युग्म बेटा जिन्हें अपन लोन पेयर कह देते हैं बेटा, जो बॉन्डेड नहीं होते, और एक होते हैं बेटा बंद युग्म जिन्हें अपन बॉन्ड पेयर कह देते हैं बेटा। शॉर्ट में लोन पेयर को मैं एलपी लिखूंगा और बॉन्ड पेयर को बीपी लिख के चलूंगा बेटा। कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन युग्म किसी भी अणु में बेटा वास्तव में खासकर दो तरह के बेटा इलेक्ट्रॉनों की कंडीशन होती है, एक तो वो इलेक्ट्रॉन जो बंद में बंधित है और एक वो इलेक्ट्रॉन जो बंद में बंधित नहीं है। जो बंधित नहीं है उन्हें एकांकी युग्म कहते हैं और जो बंधित है उन्हें बॉन्ड पेयर कह देते हैं बेटा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बेटा आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो बेटा इलेक्ट्रॉन युग्मों का प्रतिकर्षण है कुल मिलाकर। और वो भी कौन से, सिर्फ संयोजी कोष के, आंतरिक कोष के नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि बंद बनाने में संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, बंद बनाने में संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो बेटा जो अपन प्रतिकर्षण वाली बातें करेंगे वो भी संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की करेंगे, चाहे वो लोन पेयर हो, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, चाहे वो एकांकी युग्म मतलब लोन पेयर एलपी हो, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो। और क्या बताया बेटा वेस्पर थ्योरी, क्या बताती है कि लोन पेयर प्रतिकर्षण जो है बेटा वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण से ज्यादा होता है, और ये वाला बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण जो है बेटा इनमें से मिनिमम बताया गया है। वेस्पर थ्योरी क्या बोलती है कि कौन से इलेक्ट्रॉन युग्म का प्रतिकर्षण मिनिमम है, बॉन्ड पेयर वाला बंधित वाला, और लोन पेयर वालों का प्रतिकर्षण ज्यादा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा लोन पेयर के द्वारा परमाणु के चारों तरफ घेरे गए अधिक औसत आयतन के कारण होता है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, देखिए एक सिंपल सी चीज देखिएगा इधर बेटा, कि मान लीजिए कोई भी स्पीसीज है ए और ये बी टू बेटा, ठीक है समझना अच्छे से बेटा।
ये मैंने यहाँ पर बेटा इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन बनाए, ये क्या है बंद युग्म बॉन्ड पेयर बीपी। और बेटा ये मैंने मान लीजिए इसमें बना दिए, क्या बनाए ये बेटा लोन पेयर बना दिए मैंने इसमें, ये बेटा लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर। चलो कलर बदल देते हैं, येलो है ठीक है। अब बेटा आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, रटो मत, सोचो लोन पेयर बेटा ऐसे दो इलेक्ट्रॉन जो एकदम फ्री है, कहीं बंधे हुए नहीं है, और बॉन्ड पेयर दो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बाउंडेड है, बंधे हुए। तो बेटा ऑब्वियसली बात है कि जो बंधी हुई चीज है, बाउंडेड है बेटा, वो इतना फ्री होके बेटा, इतना फ्री होके किसी भी स्पेस में किसी भी स्थान में इतना ज्यादा नहीं फैल सकता जितना एकांकी युग में फ्री वाला फैल सकता है। तो एक्चुअली क्या बताया गया कि जो लोन पेयर है, जो लोन पेयर है बेटा, ये वाला लोन पेयर जो है बेटा, लोन पेयर का किसी परमाणु के चारों तरफ घेरा गया औसत आयतन ज्यादा होता है बजाय किसके बॉन्ड पेयर के, क्योंकि बॉन्ड पेयर बंधा हुआ है, ए का इलेक्ट्रॉन बी के साथ और बी का इलेक्ट्रॉन ए के साथ बंधा हुआ है बेटा, वो इतना ज्यादा आयतन में फैले नहीं रह सकते, जबकि लोन पेयर ज्यादा फैला हुआ रहता है। अब बेटा ऑब्वियस सी बात है, जो ज्यादा फैला हुआ रहेगा वो प्रतिकर्षण भी ज्यादा करेगा, क्योंकि उसने आयतन ज्यादा घेरा हुआ है बेटा, तो प्रतिकर्षण ज्यादा करेगा बेटा। तो वास्तव में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण किसका होता है, लोन पेयर का बेटा, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और सबसे कम प्रतिकर्षण होता है बॉन्ड पेयर का। क्या बात समझ आई क्या, लोन पेयर वाले ज्यादा प्रतिकर्षण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा घेरा गया औसत आयतन जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है बेटा। क्या समझ आया आप लोगों को बेटा ये वाला। अब अगली बात क्या कि आखिर अगर प्रतिकर्षण होगा तो उससे क्या ज्यामिति पे फर्क पड़ेगा, किस तरह से रहेगा किसी भी अणु के लिए ज्यामिति बेटा, समझिएगा कि बेटा मान लीजिए आप खुद के ऊपर सोचिएगा, खुद ही सोचिएगा कि कोई भी चीज बेटा आपके ऊपर प्रतिकर्षण लगा रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बेटा आप उस प्रतिकर्षण को कम करना चाहोगे अपनी बॉडी पे कि बढ़ाना चाहोगे, या उतना ही रखना चाहोगे, क्या करना चाहोगे, कम। कोई भी अणु हो इस यूनिवर्स में, कोई भी अणु हो, वो अपनी ज्यामिति उस हिसाब से व्यवस्थित कर लेता है ताकि उसमें इलेक्ट्रॉन युग्मों का, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, उनका ओवरऑल रिजल्टेंट जो प्रतिकर्षण है वो न्यूनतम रहे। वो इस प्रतिकर्षण को बढ़ाना नहीं चाहते, वो इस प्रतिकर्षण को कम करना चाहते हैं। वो अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित कर लेगा कि जितना न्यूनतम प्रतिकर्षण हो उतना अच्छा है बेटा। अरे भाई लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, रहना तो सबको साथ ही है ना बेटा इस अणु में। तो ये अणु अपने आप को इन लोन पेयर बॉन्ड पेयर को उस हिसाब से व्यवस्थित करेगा कि इस पर प्रतिकर्षण न्यूनतम लगे। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा इसका, नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा यूनिवर्स में कोई भी अणु अपने ज्यामिति उस तरह से व्यवस्थित करता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन युग्मों का, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो बेटा, इलेक्ट्रॉन युग्मों का प्रतिकर्षण क्या हो, न्यूनतम हो बेटा। इलेक्ट्रॉन युग्मों का प्रतिकर्षण न्यूनतम हो बेटा। अरे बात समझ आई क्या भाई, कोई तकलीफ इसमें बेटा नहीं है। अब कंडीशन क्या है बेटा यहां पर, कि किस तरह से शेप और ज्यामिति अपन को मिलती है, यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, टाइप ए बी एन एल एम और बेटा उसके
उसकी शेप और साथ में बॉन्ड एंगल। सबसे पहला आ जाता है बेटा, अच्छा यहां एन क्या है, एन है बेटा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और एम है नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है भाई, एम है बेटा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और एम क्या है नंबर ऑफ लोन पेयर। उनकी संख्या कैसे निकाली जाती है वो सब बाद में आएगा बेटा, अभी आप शेप देखिए इनकी। सबसे पहले कैटेगरी बनती है बेटा इसमें ए बी टू एल जीरो, समझना बेटा ए बी टू एल जीरो, यानी आपके पास में दो सिग्मा बॉन्ड है। अब बेटा कोई एक ऐसा अणु है जिसमें तीन परमाणु है बेटा ए और दो हैं बी के, तीन परमाणु है और उसमें बेटा दो हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, कुल मिलाकर ये कैटेगरी समझिएगा बेटा, इसमें आप ये वाली कैटेगरी है। ठीक है, ये दो बंद युग्म है इसमें बेटा, दो सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, मैक्सिमम एंगल है 360 डिग्री का, मैक्सिमम एंगल कितना है 360 डिग्री का। ये दोनों अपने आप को मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पे रख सकते हैं बेटा, मैक्सिमम डिस्टेंस इनके बीच में कब आएगी, जब इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो। अरे भाई अगर आपने इनको 180 डिग्री एंगल पे रख दिया 180 पे, तो इससे ज्यादा दूर तो ये कभी नहीं हो सकते, थोड़ा भी पास रखोगे तो इनकी दूरी कम हो जाएगी। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम दूरी कब होगी जब आप इन्हें 180 डिग्री पे व्यवस्थित करो। कॉमन सेंस लगाओ, रटो मत बेटा कि मैक्सिमम दूरी बनानी है तो बेटा 180 डिग्री पर व्यवस्थित कर दीजिए दोनों को बेटा। अगर आप इन्हें 180 डिग्री पर व्यवस्थित कर देंगे बेटा इनको, तो कुल मिलाकर ये ए ये बी और ये बी, तो बेटा एंगल जो है वो कितने डिग्री का हो जाएगा 180 डिग्री का। इससे ज्यादा दूर संभव नहीं है बेटा, क्योंकि 180 से ज्यादा एंगल की डिस्टेंस पे इन्हें रखना संभव नहीं है। हाँ दोनों ही इसमें कैसे हैं बेटा, बॉन्ड है, दोनों ही बॉन्ड के पेयर है बेटा, लोन पेयर इसमें मैंने रखा ही नहीं है। अभी मैं आपको वो केस बताते हुए चल रहा हूं बेटा जिनमें लोन पेयर ना हो, ठीक है ना, फिर लोन पेयर वाला भी देखेंगे। लीनियर हो जाएगी बेटा कुल मिलाकर शेप इसकी, थोड़ा सा साइड में ले लो, रेखीय लीनियर और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ये वाला 180 डिग्री। अगर आपके पास में बेटा तीन वाली कैटेगरी आ जाए और लोन पेयर नहीं है, तो बेटा मुझे बताइए अगर तीन आपके पास बॉन्ड पेयर है, तीन सिग्मा बॉन्ड है, टोटल एंगल है 360 डिग्री का, लेकिन अब तीन व्यवस्थित करने हैं उसमें बेटा ऐसे पेयर इलेक्ट्रॉनों के पेयर, तो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा कहां व्यवस्थित होंगे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करते हुए, तो बेटा तीनों को 120 डिग्री पर आप व्यवस्थित कर दीजिए। कुछ सोचो बेटा, रटो मत, सोचो। अरे तीन इलेक्ट्रॉन युग्मों को आप बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो कितने डिग्री पर बेटा, 120 डिग्री पर आप उन्हें व्यवस्थित कर दीजिए, अपने आप ये कैटेगरी बन जाएगी बेटा, इससे ज्यादा डिस्टेंस संभव नहीं। और अगर इन्हें बेटा आप इस यहां से इसे मिलाएंगे तो मुझे बताइए क्या ये आपको एक ट्रायंगल जैसा दिखाई देगा। एंगल कितना बताया मैंने आपको बेटा 120 डिग्री का, तो बेटा मुझे बताइए ट्रायंगल त्रिकोण के जैसा दिखाई दे रहा है क्या, और एक तल में उपस्थित है तीनों के तीनों, तो बेटा इसके लिए क्या लिख दूंगा मैं, शेप त्रिकोण समतलीय, और एंगल कितने के हो जाएंगे बेटा 120 डिग्री के। ये वाला भी 120 डिग्री का है बेटा, 120 डिग्री के कितने एंगल हो गए भाई, तीन एंगल, ये भी 120 का और ये भी 120 का, तीनों एंगल 120 120 120 डिग्री के हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य।
क्या थोड़ा बहुत आपको समझ आ रहा है बेटा? नेक्स्ट कैटेगरी है बहुत आराम से समझिए बेटा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा ए बी फोर एल जीरो। अब बेटा चारों व्यवस्थित करने हैं तो एक तो दिमाग में आता है कि 90 डिग्री पर व्यवस्थित कर दीजिए बेटा, लेकिन बेटा एक ऐसी शेप इसमें मिलती है जिसमें 90 डिग्री से भी ज्यादा दूरी है 109 डिग्री 28 मिनट की। उसमें क्या है बेटा कि ये आपस में टेट्राहेड्रली चतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं बेटा। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म है बेटा उनमें आपस का एंगल जो है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। और बेटा क्या नाम लिख देंगे शेप का? चतुष्फलकीय। एंगल बता ही दिया आपको 109 डिग्री 28 मिनट का। अब एक खास बात और है बेटा, समझना कि चतुष्फलकीय किस तरह से होगा बेटा। ये देखिएगा, जब दो थे अपने पास तो लीनियर आ गया था, जब तीन थे तो बेटा आ गया था कैसा? दो थे तो रेखीय आ गया था बेटा, भाई दो थे तो कैसा था? रेखीय। अगर तीन आए तो बेटा त्रिकोण समतलीय अवस्था थी आपके पास में। जब चार आए तो बेटा 90 डिग्री की बजाय 109 डिग्री 28 मिनट की दूरी पे आ जाते हैं। जब ये चतुष्फलकीय संरचना, कुछ ऐसी संरचना ये ग्रहण कर लेते हैं, इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय संरचना बेटा। चतुष्फलक, चार फलक है इसमें। अब इसमें देखिएगा बेटा, आप अच्छे से देखिए, इसमें चार फलक कैसे बनेंगे? भाई चतुष्फलकीय बोला ना, चार फलक कैसे बनेंगे? देखो बेटा, ये ब्लैक वाला मार्कर, रेड वाला और ब्लू वाला, इन तीनों को मिला दो तो एक फलक ये बनेगा। ठीक है बेटा, एक फलक ब्लैक रेड और ग्रीन, इन तीनों को मिला दो, एक फलक पीछे की तरफ बनेगा। ब्लू ब्लैक और ग्रीन, एक फलक इधर बनेगा। और बेटा रेड ब्लू और ग्रीन, एक फलक नीचे की तरफ बनेगा बेटा। तो कितने फलक हो गए? चार फलक हो गए बेटा। भाई तीन फलक, एक फलक, दो फलक, तीन फलक, ये तीनों तो ऊपर की तरफ आ गए और चौथा फलक नीचे की तरफ बेटा। तो नाम क्या दे दिया? चतुष्फलक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा कि मैंने एंगल बताया 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट के कितने एंगल इसके अंदर होते हैं वो मैं समझाना चाह रहा हूं बेटा आपको। 109 डिग्री 28 मिनट के टोटल इसमें कितने एंगल है देखिएगा बेटा, अच्छे से समझना बेटा। इसमें रियलिटी ये है कि एंगल जो है बेटा ये इस सिचुएशन के साथ में, हाँ देखिएगा, इस ब्लैक वाले मार्कर और इस ब्लू वाले मार्कर, इन दोनों के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का एक एंगल, इस ब्लैक और इस रेड के बीच में एक एंगल, इस ब्लैक और इस ग्रीन के बीच में एक एंगल, कितने आ गए? तीन, एक दो तीन। रुको, भी काम पूरा नहीं हुआ बेटा, सॉरी। देखिएगा वापस से, ब्लैक और ब्लू के बीच में एक, ब्लैक और रेड के बीच में, ब्लैक और ग्रीन के बीच में एक। अब क्या बेटा, इस ब्लू और इस ग्रीन के बीच में एक, इस ग्रीन और इस रेड के बीच में एक, और इस रेड और इस ब्लू के बीच में एक, टोटल कितने हो गए? छह, तीन ऊपर की तरफ वाले और तीन नीचे की तरफ वाले बेटा। टोटल छह एंगल होते हैं, घर पे भी बना सकते हैं आप। तीन वैलेंसी ऐसे नीचे ले लीजिए, एक वैलेंसी ऊपर ले लीजिए बेटा, अपने आप टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगी। चार फलक आप गिन सकते हैं, एक फलक, दो फलक, तीन फलक, एक फलक नीचे की तरफ, चार। और बेटा एंगल गिन के देखना, एक दो तीन और तीन नीचे की तरफ बेटा, टोटल छह एंगल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक खास बात यहां पर अपन ने क्या सीखी बेटा कि 109 डिग्री 28 मिनट के टोटल एंगल है कितने? टोटल छह एंगल इसके अंदर है बेटा, ए बी फोर एल जीरो की कैटेगरी में। आई बात समझ में? नेक्स्ट है बेटा इसमें ए बी फाइव एल जीरो, ए बी फाइव एल जीरो बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या कैटेगरी रहनी है बेटा ए बी फाइव एल जीरो में? देखिए टोटल पांच
इलेक्ट्रॉन युग में है, उसमें से तीन कुछ इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। एक बेटा ऊपर की तरफ, और एक होता है नीचे की तरफ। कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं। ये तीनों बेटा एक प्लेन में होते हैं, ये वाले तीनों। ट्रायंगल, त्रिकोण बनाते हैं बेटा तीनों, और फिर एक वैलेंसी ऊपर की तरफ निकली होती है, एक वैलेंसी नीचे की तरफ निकली होती है। इसमें बेटा त्रिकोण द्विपिरामिडी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। रुको बेटा, आराम से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, इसको सीखना बहुत जरूरी है बेटा आपका। देखिए इधर बेटा कि क्या कंडीशन है इसमें, ये है, तीन है प्लेन में, क्या दिखाई दे रहे हैं आपको बेटा, दो ग्रीन और एक ब्लैक, ये एक प्लेन में, एक आएगा ऊपर की तरफ और एक आएगा बेटा नीचे की तरफ। ये सिचुएशन इसमें होती है, ये सिचुएशन इसमें होती है बेटा, समझ लीजिए अच्छे से। तीन प्लेन में होंगे, एक ऊपर की तरफ होगा और एक नीचे की तरफ, क्या दिखाई दे रहा है आपको बेटा, ये तीन, दो ग्रीन वाले, अच्छे से देख लीजिए बेटा, दो ग्रीन वाले और एक ब्लैक वाला, दो रेड वाले, तीन प्लेन में त्रिकोण बनाएंगे। अच्छा, अगर आप इस रेड वाले को बेटा यहां से मिलाना शुरू करोगे, भाई इसको यहां से भी मिला दो, यहां से भी मिला दो, यहां से भी मिला दो, तो बेटा एक पिरामिड के जैसा शेप बनेगा कि नहीं बनेगा, वो भी कैसा पिरामिड, तीन कोण वाला, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, तो बेटा तीन कोने वाला पिरामिड बन गया। और ऐसे ही रेड वाले को मिलाओगे तो भी बेटा ये भी इससे, इससे और इससे, तीनों से मिलेगा, तो तीन कोने वाला पिरामिड एक नीचे भी बन गया, यानी तीन कोने वाले कितने पिरामिड बने, दो, तो क्या नाम हो जाएगा, त्रिकोण द्विपिरामिड। आराम से देख लीजिए अच्छे से बेटा इसको वापस से, कि ये त्रिकोण था, अगर आप इस रेड वाले को बेटा इस ग्रीन से, इस ब्लैक से, ग्रीन से मिलाओगे तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा। पिरामिड जानते हो, नहीं जानते हो बेटा, कभी मूवीज में देखा हो तो ऐसा कुछ बना होता है जो बेटा अपन पिरामिड बोल देते हैं बेटा। अब पिरामिड दो कोने का भी हो सकता है, ये तो त्रिकोण का हो गया बेटा, एक्चुअली पिरामिड जो है ऐसा कुछ बेटा तीन कोने का भी हो सकता है, पिरामिड चार कोने का भी हो सकता है बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ता, पिरामिड बेटा चार कोने का भी हो सकता है, तीन कोने का भी हो सकता है ना, ठीक है ना बेटा। तो ये यहाँ पर कितने कोने का पिरामिड बना, आराम से देख लीजिए, रटो मत बेटा, आराम से देखिए, एक दो तीन, ये तीनों मिलेंगे तो तीन कोने का पिरामिड बनेगा, और एक पिरामिड नीचे बन रहा है तो कितने पिरामिड बन रहे हैं, दो, नाम क्या हो जाएगा, त्रिकोण द्विपिरामिड। त्रिकोण द्वि पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और इसे मैं कह दूंगा टीबीपी, ठीक है ना बेटा, शॉर्ट में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो टीबीपी कहूंगा इसको शॉर्ट में। अगली बात खुद सोचिए बेटा, बॉन्ड एंगल इसमें दो तरह के हैं, एक तरह का नहीं है, दो तरह के हैं, समझना बेटा। जो ये तीनों वैलेंसी, तीनों संयोजकताएं तल में थी, जो तीनों संयोजकताएं तल में थी, क्या उनमें आपस में 120 डिग्री का एंगल है क्या, खुद सोचो यार, तीनों समतल में थी ना 120 डिग्री पर बेटा, ये तीनों 120 डिग्री पर थी, यानी 120 डिग्री के कितने एंगल आ गए, तीन एंगल आ गए, एक दो और तीन, ग्रीन और ब्लैक के बीच में, ग्रीन से ग्रीन के बीच में, और ग्रीन और इधर ब्लैक के बीच में। अच्छा, ये रेड वाला और ग्रीन वाले का एंगल बता सकते हो क्या बेटा, कितना है रेड और ग्रीन वाले का, कितना है ये, 90 डिग्री पे दिखाई दे रहा है क्या आपको,
अच्छा ऐसे देखो बेटा, तो ब्लैक के साथ भी 90 डिग्री का दिख रहा है, इधर ग्रीन के साथ भी 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के कितने एंगल आ गए? तीन एंगल आ गए ऊपर की तरफ। अच्छा ये जो रेड वाला है ये भी तो एंगल बनाएगा 90 डिग्री के, जैसे तीन ऊपर बने वैसे तीन कहाँ बनेंगे? नीचे। तो 90 डिग्री के कितने एंगल हो गए? छह। वापस देखिए बेटा कि क्या कंडीशन है इसके अंदर, कि ये जो आपके पास में था यहां पर बेटा, ये वाला एंगल 120 डिग्री का था, और ऐसे कितने एंगल है? तीन एंगल है बेटा ये वाली बैलेंस शीट में। और जो ऊपर वाला है बेटा, ये ऊपर वाला, ये कितने डिग्री का एंगल बना के चल रहा है? 90 डिग्री का। तो बेटा इसमें 90 डिग्री का एंगल भी है, कितने? छह। और बेटा इसमें 120 डिग्री का एंगल भी है, और वो कितने है बेटा? 120 डिग्री के तीन। यानी इसमें अलग अलग तरह के एंगल आ गए बेटा। ये तीनों जो थे बेटा, इन तीनों के बीच में 120 डिग्री का, और ये रेड ग्रीन के बीच में 90 डिग्री का। अगर एंगल अलग है तो डिस्टेंस भी अलग होगी, होगी कि नहीं भाई? एंगल अलग तो डिस्टेंस भी अलग, और डिस्टेंस अलग तो प्रतिकर्षण भी अलग। एंगल अलग तो डिस्टेंस अलग, और डिस्टेंस अलग तो प्रतिकर्षण भी अलग, और प्रतिकर्षण अगर अलग होगा तो दूरी में भी बदलाव आएगा। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रॉनों के युग में पास वाले ज्यादा प्रतिकर्षण करेंगे कि दूर वाले? जवाब तो दो भाई, ज्यादा प्रतिकर्षण कहां होगा? जो तुलनात्मक रूप से पास हो। अच्छा 120 डिग्री वाले पास है कि 90 डिग्री वाले? कुछ सोचो ना बेटा, प्रैक्टिकली सोचो, रटो मत। अरे भाई 120 में डिस्टेंस देखो आप इनके बीच की, और 90 में देखो बेटा, तो तुलनात्मक रूप से पास कौन सा होता है बेटा? 120 वाला पास होता है कि 90 वाला? अरे खुद सोचो भाई, ये 90 डिग्री का एंगल है बेटा, और ये 120 डिग्री का एंगल है, मुझे बताइए पास कौन है? 90 वाले ज्यादा पास है बेटा, और 90 वाले अगर ज्यादा पास है तो वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, और अगर प्रतिकर्षण होगा तो बेटा ऐसे में वो इलेक्ट्रॉनों का युग्म दूर चला जाएगा। क्या होगा? दूर चला जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि वहां क्या हो गया? प्रतिकर्षण हो गया, दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। अगर दूर चला गया तो बंद लंबाई का, बंद लंबाई वो ही रहेगी कि बदल जाएगी? बदल जाएगी। और इसमें बेटा अब ये बात शुरू हो जाएगी कि इसमें दो तरह की बंद लंबाइयां हैं। कितने तरह की? दो तरह की। ये जो है बेटा, इन्हें कहा जाता है इक्वेटोरियल, इक्यू लिखूंगा मैं शॉर्ट में, इक्वेटोरियल। भूमध्य रेखीय, या फिर बेटा इसी को कहा जाता है निरक्षीय, और एक आएगा ए एक्स, वो होगी एक्सियल, जिसे कहेंगे अक्षीय। तो इनमें से बेटा ये इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है, और ये भी इक्वेटोरियल है तीनों, जबकि बेटा ये वाली जो है ये भी एक्सियल है और ये भी एक्सियल है, ऐसा होता है बेटा। और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि बेटा अगर मैं बात करूं बंद लंबाई की, और बेटा मैंने बोला कि ये वाली जो बंद लंबाई है ना बेटा, ये वाली, इसे मैंने ए बोला, जो अक्षीय वाली है, और जो निरक्षीय वाली है इस बंद लंबाई को मैंने बेटा बी बोला, तो बेटा कौन सी बंद लंबाई जो है वो आप खुद सोचिए ज्यादा है? ए और बी में से कौन सी बंद लंबाई ज्यादा है? ए वाली बंद लंबाई जो है बी वाली बंद लंबाई की तुलना में ज्यादा है।
तुलनात्मक रूप से वो दूर चला गया। वापस समझिए सारी कहानियां बेटा क्या हुई कि इसमें तीन संयोजकता थी तल में, एक ऊपर और एक नीचे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि तीनों जो संयोजकता एक तल में थी, भूमध्य रेखीय थी, इक्वेटोरियल थी, निरक्षीय थी, उनमें आपस में एंगल था 120 डिग्री का, जबकि ये जो अब बेटा ये वाली जो है ऊपर और नीचे, इनमें एंगल है इस भूमध्य रेखीय वालों के साथ में 90 डिग्री का। भूमध्य रेखीय वालों के साथ में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल है मतलब ये तुलनात्मक रूप से बेटा 120 वाले की बजाय पास में, अगर पास में है तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन युग्म दूर चला जाएगा, और दूर अगर चला गया तो बंध लंबाई क्या होगी? बढ़ जाएगी बेटा। कौन सी वाली? अक्षीय वाली। अक्षीय वाली बंध लंबाई निरक्षीय वाली से इसमें ज्यादा होती है, और दो तरह के इसमें एंगल होते हैं त्रिकोण द्विपिरामिडल टीबीपी में बेटा। क्या कुछ आया क्या समझ में बेटा? नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके बाद में समझते जाइए बेटा, कितने हो चुके भाई? AB5L0। नेक्स्ट है AB6L0। हाँ बेटा, क्या सिचुएशन मिलती है? ए ऐसी सिचुएशन होती है बेटा कि चार तो प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे, ये लो भाई चार आएंगे प्लेन में बेटा, एक प्लेन में कितने आएंगे? चार आएंगे अब इसमें। हाँ बेटा देखिए सर, थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा कि दोनों ग्रीन वाले मार्कर, ये ब्लैक और ये ब्लू, ये चारों बेटा एक प्लेन में रहेंगे। चारों कहां रहेंगे? एक प्लेन के अंदर बेटा, एक ही प्लेन में रहेंगे चारों के चारों। फिर एक मार्कर ये ऊपर आया और एक मार्कर कहां आएगा बेटा? नीचे की तरफ, इस तरह से। ये छह हो गए पूरे बेटा। अब अगर आप इस रेड वाले को इन चारों मार्करों से मिलाओगे, यहां से एक लंबा लेंथ डालते हुए बेटा, तो पिरामिड तो बनेगा, लेकिन कितने कोनों का? चार कोनों का, स्क्वायर का पिरामिड बनेगा, स्क्वायर वाली कंडीशन का, स्क्वायर वर्ग वाला पिरामिड। एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा बेटा। तो वास्तव में जो कंडीशन आई इसमें वो क्या ही बेटा, वर्ग और कितने पिरामिड? दो पिरामिड बेटा, दो पिरामिड, एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है। ऐसे ज्यादा अच्छे समझ में आता है बेटा, 3D व्यू हो जाता है आपके पास में। दूसरी बात क्या बेटा, एंगल देखना बेटा, ये जो चारों एक स्क्वायर बनाओ, आप खुद सोचो ना बेटा, आप अगर एक स्क्वायर बनाते हो तो स्क्वायर में बेटा ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सारे के सारे 90 डिग्री के ही तो होता है ना बेटा। तो वास्तव में ये जो स्क्वायर आपके पास में है बेटा, इसमें इन चारों के बीच में बेटा 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, ये ऊपर वाला भी कितने का एंगल बना रहा है? 90 का। तो देखना बेटा, चार एंगल तो ये आ गए इसी के अंदर बेटा, स्क्वायर के अंदर। अच्छा, ये वाला कितने एंगल बनाएगा? ऊपर वाला रेड वाला जो है बेटा, चार 90 डिग्री के, इस रेड ब्लैक के साथ, इस ग्रीन के साथ, पीछे वाले ग्रीन के साथ और इस ब्लू के साथ, ऐसे चार नीचे बनेंगे। तो 90 डिग्री के बेटा 90 डिग्री के एंगल कितने आ गए? 12। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या इसमें ये जो इक्वेटोरियल है, अरे भाई ये वाले जो इसमें इक्वेटोरियल है एक तरह से बेटा, और ये वाले जो एक्सियल है, क्या
क्या इनके बीच की डिस्टेंस एक जैसी है क्या अलग अलग? सब 90 डिग्री के हैं। यानी यहां बेटा मुझे बताइए बेटा, अगर मैं ये एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ को ए बोल दूं, इक्वेटोरियल वाली को बी बोल दूं, तो ए और बी दोनों क्या होंगी बेटा? क्या समान होंगी? क्या बिल्कुल होंगी बेटा, कायदे की बात ही है ये बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होंगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ही सेम है, एंगल सेम था। तो बेटा क्या कुछ आया क्या समझ बेटा? रुको अभी, इसका एक नाम और है बेटा, एक नाम और है इसका, समझिएगा किस तरह से बेटा। मैं थोड़ा सा इसको टिल्टेड फॉर्म में बनाता हूं बेटा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये स्क्वायर, एक ऊपर और एक नीचे बेटा, ठीक है। अब कंडीशन क्या ये है बेटा आपके पास में, ये तो देखिएगा बेटा। इसमें अगर आप इस रेड वाले को इस ब्लैक और इस ग्रीन से बस यहां मिलाओ और यहां मिला के सामने का फलक देखो, तो एक फलक बना रेड ग्रीन ब्लैक सामने की तरफ। ऐसे ही एक फलक पीछे की तरफ बनेगा रेड ब्लू और ग्रीन के साथ। ऐसे एक फलक राइट साइड में बनेगा बेटा रेड ब्लैक ग्रीन के साथ, और ऐसे एक फलक लेफ्ट में बनेगा। कितने फलक बने? 4 फलक ऊपर की तरफ। ऐसे ही 4 फलक कहां बनेंगे? नीचे। थोड़ा नाम क्या जाएगा? अष्ट फलक। देखिए वापस से इधर बेटा, देखो एक फलक इस बी को इस ए के साथ यहां मिला दो, एक फलक तो ये हो गया लेफ्ट में, एक फलक ये हो जाएगा बेटा इनका राइट साइड में, एक फलक होगा ये सामने की तरफ, और ऐसे एक फलक होगा पीछे की तरफ। तो 4 फलक ऊपर और 4 फलक आएंगे नीचे। तो बड़ा दूसरा जो नाम है इसका वर्ग द्वीप पिरामिड का, दूसरा नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसे ही कहते हैं अष्टफलकीय। क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय, क्योंकि कितने फलक थे? 8 फलक है, तो नाम क्या हो जाएगा? अष्टफलकीय बेटा। क्या समझ आया आपको बेटा? थोड़ा तो आया होगा भाई कि एक फलक बेटा राइट में, एक लेफ्ट में, एक सामने, एक पीछे, 4 तो ये हो गए, और 4 ऐसे नीचे आ जाएंगे, तो बेटा अष्टफल की इसकी शेप हो जाएगी। नेक्स्ट कौन सा आ जाता है बेटा इसमें? AB7L0। इसमें बेटा कंडीशन क्या है कि देखो, जब AB5L0 था तो 3 तल में एक ऊपर एक नीचे, AB6L0 में 4 तल में एक ऊपर एक नीचे, तो AB7L0 में क्या होगा बेटा? 5 तो होंगी तल में, 5 तल के अंदर बेटा, ठीक है। पांच होंगी तल में, एक होगी ऊपर और एक होगी बेटा कहां? नीचे। इस तरह से आराम से देख लीजिए, 5 होंगी तल में, एक ऊपर और एक नीचे, ये कंडीशन होगी बेटा। 5 तल में एक ऊपर और एक नीचे। और अब जब इस रेड को आप इन 5ों से मिला के जो पिरामिड बनाओगे उसे कैसा बोलोगे बेटा? पंचकोण पिरामिड। एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे से बनेगा, तो क्या हो जाएगा? पंचकोण द्वीप पिरामिड। देखिएगा बेटा, एक ऊपर की तरफ और एक बेटा नीचे की तरफ। क्या नाम बताया?
पंचकोण द्वि पिरामिड एंगल की बात करें हम, तो बेटा एंगल में क्या रहना है कि जो ये पांचों के पांचों एक तल के अंदर है, ये पांच के पांच जो एक तल में है बेटा, पंचकोण बन गया। तो पंचकोण में आप भी बेटा छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, इतना तो जानते होंगे कि पंचकोण में ये जो एंगल आता है वो कितने का आता है, 72 डिग्री का। अरे सिंपल छोड़ो ना बेटा, ये पांच है ना बेटा, पांच मिलकर के 360 कवर कर रहे हैं, पांच मिलकर के। तो पांच मिलकर अगर 360 कवर कर रहे हैं बेटा, पांच मिलकर 360 अगर कवर कर रहे हैं, तो एक के हिस्से में 360 से पांच को डिवाइड कर दो बेटा, तो 72 डिग्री के बेटा कितने एंगल हुए, 1 2 3 4 5। अच्छा मुझे बताइए कि बेटा जो ये ऊपर और नीचे वाली संयोजकताएं थी, ये वाला तो इसके साथ भी 90 डिग्री का बनाएगा और इस नीचे वाला भी 90, तो 90 डिग्री के पांच मिलेंगे ऊपर और पांच मिलेंगे नीचे, यानी बेटा 90 डिग्री वाले कितने एंगल हो जाएंगे, टोटल 10। और क्या यहां भी एंगल अलग अलग है? अगर एंगल अलग अलग है बेटा, ये वाली इक्वेटोरियल है, और बेटा ये वाली जो है एक्सियल। मुझे बताइए यहां पास कोण है तुलनात्मक रूप से 72 वाले की 92 वाले, 72 डिग्री वाला ज्यादा पास होगा, और 72 वाला अगर ज्यादा पास होगा तो वहां प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो बंद लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो वास्तव में बेटा यहां भी बंद लंबाई अलग तरह की देखने को मिलती है बेटा, लेकिन कौन सी ज्यादा है, एक्सियल की इक्वेटोरियल, खुद सोचो इक्वेटोरियल वाली बेटा। और यहां कौन सी ज्यादा मिली थी बेटा आपको, यहां मिली थी एक्सियल वाली, रटो मत, खुद सोचो कि यहाँ 120 की तुलना में 90 डिग्री वाला बेटा पास था तो वहां प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण अगर ज्यादा होगा तो ये सिचुएशन आपको मिलेगी बेटा इसमें। और यहां बेटा 90 डिग्री की तुलना में 72 वाला ज्यादा पास है तो वहां प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, तो इसकी इक्वेटोरियल वाली बंद लंबाई बढ़ जाएगी। तो फटाफट से अगर अपन देखें बेटा कि जब दो इलेक्ट्रॉन युग्म आए तो रेखीय हुआ, जब तीन आए तो त्रिकोण समतलीय हो गया, जब चार आए तो चतुष्फलकीय हो गया, जिसमें 109 डिग्री 28 मिनट के 6 एंगल है, जब पांच आए तो तीन तल में तीन तल में एक ऊपर और एक कहां हो गया बेटा, नीचे, त्रिकोण द्वि पिरामिड, क्योंकि जो दोनों पिरामिड बन रहे हैं वो तीन कोण वाले बन रहे हैं, त्रिकोण द्वि पिरामिड। और इसमें बेटा यहां 72 का होता है इक्वेटोरियल में जबकि एक्सियल में 90 का होता है, तो ये पास था तो इसमें प्रतिकर्षण बढ़ने के कारण एक्सियल वाले की बंद लंबाई बढ़ जाती है। जब 6 आया तो बेटा 6 आने पर 4 हो गए तल में, एक ऊपर हो गया और एक नीचे चला जाएगा, और यहां सब में 90 का एंगल है तो यहां एक्सियल इक्वेटोरियल एक जैसे हैं बेटा। और वर्ग द्वि पिरामिड, जब बेटा 7 आए तो पंचकोण द्वि पिरामिड हो गया बेटा, और वहां पर इक्वेटोरियल वाला ज्यादा पास था तो प्रतिकर्षण के कारण इक्वेटोरियल वाली बंद लंबाई बढ़ जाएगी। क्या ये लोन पेयर वाली, बिना लोन पेयर वाली स्थिति आपको समझ आई बेटा, आपको याद रह पाएगा? अगर सबको अपन एक साथ देखें बेटा इनमें, तो देखिए क्या कैटेगरी है, बहुत अच्छे से शेप आपको अब दिखाई देगी बेटा इसमें और भी। हाँ बेटा, क्या ये केस बता सकते हो कौन सा है, ए बी टू एल जीरो कैसा है बेटा, रेखीय, ठीक है। और ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का बेटा, कोई तकलीफ इसमें बेटा? ये बेटा क्या है, ए बी थ्री एल जीरो, क्या नाम बता सकते हो क्या बेटा, त्रिकोण समतलीय, आराम से देख लीजिए बहुत अच्छे से बेटा, तीन आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये जो एंगल इनके बीच में है वो कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का, 120 डिग्री के कितने एंगल है बेटा, तीन एंगल है। वो कितने डिग्री का था बेटा, ये था
180 डिग्री का, ये दिखाई दे रहा है ना बेटा आपको, ये 180 डिग्री का और ये 120 डिग्री का था बेटा। ठीक है, ये एक दो तीन चार कुल मिलाकर बेटा ए बी फोर एल जीरो। और देखिए बेटा क्या आपको चार फलक इसमें अब दिखाई देते हैं क्या, चलिए देखते हैं बेटा। आपने क्या किया बेटा, ये मिलाया एक फलक, ठीक है, ये दूसरा फलक, दो हो गए ऐसे। एक फलक होगा पीछे की तरफ और एक फलक होगा बेटा ये वाला, इसको 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 मिला दो तो नीचे की तरफ बेटा, इस तरह से कैटेगरी आएगी। ये आपको बनाने नहीं है बेटा इस तरह से, ठीक है ना, इतना डायग्राम इसमें दिख जाएगा आपको बेटा। ये वाला देखो, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत तो दिखेगा बेटा, ये इनसे मिलाकर एक फलक, ये बेटा बना दूसरा फलक, ऐसे एक फलक पीछे बनेगा और एक नीचे बनेगा बेटा। आई बात समझ में बेटा, ए बी फोर एल जीरो, और क्या नाम था बेटा, चतुष्फलकीय। और 109 डिग्री एग्जैक्ट जो है बेटा 109 डिग्री 28 मिनट होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, और 109 डिग्री 28 मिनट के कितने एंगल होते हैं इसमें, टोटल 6 बेटा। कैसे, फिर देख लीजिए कि ये जो ऊपर वाली बोल है, ये बोल बेटा इसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल, इसके साथ भी 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल, इसके साथ भी 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल। क्या ये दिखाई दे रहा है बेटा आपको, बोलो भाई। ये देखो, ये तो दिख रहा होगा ना बेटा अच्छे से, कि ये वाला जो है बेटा, ये वाला इसके साथ भी 109 डिग्री 28 मिनट, इस राइट वाले के साथ भी और इसके साथ भी बेटा। तीन तो ऊपर आ गए, ऐसे ये तीनों जो नीचे हैं आपस में, ये तीनों भी आपस में 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पे होंगे बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट के 6 एंगल होंगे। नेक्स्ट बेटा इसके बाद में ये देखिएगा, इक्यू इक्यू क्यू लिख दिया है इसमें, तो ये तीनों जो है बेटा, ये तीनों, ये वाले तीनों बेटा एक प्लेन में है, ये तीनों इस तरह से, फिर एक वैलेंसी ऊपर आ गई, एक वैलेंसी नीचे आ गई। तो ये तीनों जो आपस में है बेटा, इनमें एंगल कितने का है, 120 डिग्री का। इनमें एंगल कितने का बेटा, इनमें एंगल है, ये वाला एंगल कितने का बेटा, 120 डिग्री का। जबकि ये जो ऊपर वाली एक्सियल वाली वैलेंसी है वो इस इक्वेटोरियल के साथ 90 डिग्री का, इसके साथ भी बेटा 90 डिग्री का और इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल रखता है, तीन ऊपर तीन नीचे। कौन सी कैटेगरी है ये है बेटा, ए बी फाइव एल जीरो त्रिकोण। और बेटा एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा, त्रिकोण द्वि पिरामिड। इसमें अलग अलग तरह के एंगल है, दो तरह के बेटा, 120 डिग्री का और 90 डिग्री का। इक्वेटोरियल में आपस में 120 का है और बेटा एक्सियल वाला इक्वेटोरियल के साथ 90 का रख रहा है, तीन ऊपर 90 के तीन नीचे 90 के। नेक्स्ट जो है बेटा, क्या कैटेगरी है ये समझते हैं अपन अच्छे से बेटा। इसके अंदर अगर आप अच्छे से देखें बेटा तो ये एक स्क्वायर बन रहा है, बेटा ये वाला अगर मैं चारों इससे मिलाऊं तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे बनेगा। अच्छा कैटेगरी क्या है बेटा, ए बी सिक्स एल जीरो, छह इलेक्ट्रॉन युग्म थे। और बेटा कैसा बन रहा है, वर्ग, ये स्क्वायर था, द्वि पिरामिड। सिखा के मानूंगा बेटा, सीखना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग एक पिरामिड, जैसे मैंने ऊपर बनाया ना बेटा, एक पिरामिड नीचे बनता है और चार कोने का पिरामिड बन रहा है, वहां कितने कोने का पिरामिड बनता है,
एक दो, ये तीन कोने का पिरामिड बनता है इसके साथ बेटा, ऐसे सिर्फ तीन कोने का, इसमें चार कोने का बन रहा है तो वर्ग द्वीप पिरामिड हो गया बेटा, वर्ग और दो पिरामिड बन रहे हैं इसलिए वर्ग द्वीप पिरामिड बेटा। अच्छा अगली बात क्या बेटा, इसमें अगर आप अच्छे से देख रहे हैं बेटा इसको, तो मुझे ये बताइए कि इसमें बहुत आराम से एंगल आपको ऑब्जर्व होगा बेटा, इसमें ये ऊपर, अच्छा ये इन चारों में एक वर्ग है बेटा, तो ये जो चारों हैं बेटा ये सब 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं कि नहीं होते बेटा, और ये ऊपर वाला जो है बेटा ये वाला इसके साथ 90 डिग्री का एंगल रखेगा, इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल रखेगा, इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल रखेगा, और इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल रखेगा, चार ऊपर चार नीचे और चार इस तल में बेटा, चार प्लेन में चार ऊपर चार नीचे, तो 90 डिग्री के एंगल कितने हो जाएंगे बेटा इसमें 12 एंगल आ जाएंगे। क्या कहानी समझ आई क्या बेटा आप लोगों को? नेक्स्ट क्या अच्छे से गिन लीजिए बेटा, एक दो तीन चार पांच छह सात, मतलब क्या है बेटा ए बी सेवन एल जीरो, और जो बेटा आप पिरामिड बनाओगे देखो ये आपस में पंचकोण की स्थिति में है क्या बेटा, और इसको मिला दो तो बेटा पंचकोण वाला पिरामिड एक ऊपर एक नीचे, क्या नाम हो जाएगा पंचकोण, और कितने पिरामिड बेटा दो बनेंगे द्वि पिरामिड, पंचकोण द्वि पिरामिड। अच्छा इसके अंदर बेटा एंगल ऑब्जर्व हो रहे हैं क्या बेटा आपको? अब तो देखो बेटा कि ये जो है आपस में बेटा, इनके बीच में आपस में जो ये इक्वेटोरियल के पास, इक्वेटोरियल सिचुएशन पे, ये इक्वेटोरियल है बेटा, जबकि ये वाला जो है ना बेटा ये वाला ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ठीक है भैया। अब क्या बता रहा हूं मैं आपको बेटा कि इसमें ये जो है बेटा ये और ये, इन दोनों के बीच में एंगल बेटा कितने डिग्री का है, थोड़ा डार्क ले लें यहाँ पर, हाँ बेटा ये और ये इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है 72 डिग्री का, समझा चुका हूं मैं पीछे शेप में। जबकि बेटा अगर आप इस एक्सियल वाले के साथ ये एंगल देखते हो तो ये कितने डिग्री का आता है 90 डिग्री का। क्या कहानी समझ आई बेटा आपको? किसी भी तरह से आपको ये आना चाहिए, ये मैंने वो सारी शेप बताई अभी बेटा जो बिना लोड पेयर के, ए बी टू एल जीरो रेखीय है, ए बी थ्री एल जीरो त्रिकोण समतलीय है, ए बी फोर एल जीरो चतुष्फलकीय है, ए बी फाइव एल जीरो त्रिकोण द्वि पिरामिडी, ए बी सिक्स एल जीरो वर्ग द्वि पिरामिडी, ए बी सेवन एल जीरो बेटा पंचकोण द्वि पिरामिडी, और बेटा इसी को अपन ने बेटा अष्टफलकीय नाम भी दिया। अष्टफलकीय क्यों नाम दिया समझ लो बेटा, रटना कुछ नहीं है, देखेगा बेटा इधर रटना कुछ नहीं है, बहुत आराम से समझ सकते हैं, देखेगा एक बार इधर बेटा, इसमें आपको अच्छे से फलक दिखाई देंगे, देखना बेटा एक फलक दो फलक तीन फलक एक फलक पीछे की तरफ, अरे भाई एक फलक ये हो गया बेटा लेफ्ट में, एक ये हो गया सामने, एक है हो गया बेटा राइट साइड में, एक फलक पीछे आएगा, तीन फलक सामने और तो तीन फलक सॉरी चार फलक ऊपर चार फलक नीचे बेटा। अभी भी नहीं आई क्या समझ में बेटा कि पूरा थ्री डायमेंशनल कैटेगरी आप देख सकते हैं इसके अंदर बेटा आप लोग। एक छोटी सी बात और मैं कर लूं बेटा आपसे, अच्छा ये तो लिख लिया ना बेटा आपने सब, भाई वहां वहीं पर बेटा भाई पहले जो मैंने शेप बताई ना आपको बेटा यहाँ लिख चुके हो आप, ठीक है ना बेटा, ये आपको बनानी भी है, ये मैंने दोबारा आपको बेटा पूरा 3D व्यू दिख जाए इसलिए ऐसा लिया है। अच्छा एक चीज हो कि बेटा यहाँ एक्सियल इक्वेटोरियल और यहाँ एक्सियल इक्वेटोरियल अलग अलग था, जबकि इसमें मैंने सेम बताया, इसमें आपको एक्सियल वालों की लंबाई ज्यादा बताई और इसमें इक्वेटोरियल वालों की लंबाई ज्यादा बताई, जबकि मैंने कहा कि इसमें सब सेम रहता है, सेम रहता है थोड़ा, इसे आप किसी भी एंगल पे घुमा के देख लीजिए, किसी भी एंगल पे ये बेटा आपको इसी की जैसा सारी वैलेंसी बिल्कुल एक जैसी दिखाई देंगी, हमेशा आपको बेटा वर्ग दिखेगा और दो आपको पिरामिड बनते हुए दिखाई देंगे बेटा, किसी भी एंगल पे आप इसको घुमा के देख लीजिए। आपने ऐसे अगर ले लिया तो क्या होगा बेटा, देखिए कि ये मिलकर के एक आपको सॉरी हाँ बेटा ये आपको
बेटा एक स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है? ये वाला बेटा जब इन चारों से मिलेगा, एक ये दो ये तीन और ये चार, तो एक पिरामिड राइट साइड में बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा लेफ्ट में बेटा। अरे क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? किसी भी तरह से देखिए सब एक जैसा इसके अंदर दिखाई देता है। तो फटाफट से बताइए, फाइनल रिवाइज कर दीजिए, जब दो आए तो रेखीय आ गया बेटा, जब तीन आए तो बेटा त्रिकोण समतलीय आ गया 120 डिग्री का एंगल, जब चार आए तो चतुष्फलकीय आ गया 109 डिग्री 28 मिनट के छह एंगल बेटा, जब पांच आए तो बेटा तीन तल में एक ऊपर एक नीचे, है कि नहीं भाई? ये देखो बेटा ये वाली सिचुएशन है, इसे थोड़ा साफ कर दूं बेटा मैं, ये सब एक बार साफ कर दूंगा बेटा थोड़ा सा, ताकि आपको ये साफ साफ दिखाई दे जाए, ठीक है? ये भी साफ कर देते हैं। और एंगल आप बेटा पहले वाली शेप में बना ही चुके हैं ना सारे एंगल बेटा, ठीक है? तो देखिए बेटा यहाँ भी देखते जाइए, कुल मिलाकर ये क्या कैटेगरी आ गई बेटा, इसमें आ गए तीन तल में इक्वेटोरियल 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 बेटा, और दो एक्सियल आ गए। जब बेटा छह लिया आपने तो बेटा इसमें क्या कैटेगरी, और साफ देखने के लिए अपन थोड़ा सा इसको रोटेट कर ले बेटा, साफ दिख जाए जिससे अपन को, हाँ भाई, थोड़ा चार प्लेन में आ गए एक ऊपर एक नीचे, तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा बेटा। और जब सात वाली कैटेगरी आई तो पांच प्लेन में एक ऊपर एक नीचे, याद रह पाएगी बेटा? शेप और एंगल हमेशा और हमेशा आपको इसके याद रहने चाहिए। अभी अपन ने वो सीखा है बेटा जो कि बिना लोन पेयर के है, ये बिना लोन पेयर के बेटा, आगे अपन लोन पेयर के साथ भी सीखेंगे। ये जो कैटेगरी है बेटा ये कौन सी है, सारी की सारी बिना लोन पेयर वाली बेटा। क्या यहां तक की बात समझ आ गई?